हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हित अभिलाषी शर्मा थोड़े नाल एक बार फिर मेरे चैनल जानकारी हित दे उत्ते इकनोमिक्स के रिलेटेड एक सब्जेक्ट जड़ा है साड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट उहदे नाल रिलेटेड एक कॉन्टेंट थोड़े नाल लेके आने वाला है। आओ कुछ नवा सीखने की कोशिश के विच मूव अहेड विद मी। सीखना है ना तो आओ चलिए अगे वधीए। टूडेज टॉपिक रिलेटिंग विद द इकोनॉमिक्स टू मेक योर वे ईजी, थोड़ा रस्ता आसान बन सके। ये अज का जो विषय है वह है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव जिन्हों असी असल कहने सकारात्मक या वास्तविक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव जिन्हों असी कहने आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये की ने अज ये बारे चर्चा करा। सब तो पहला इकनोमिक्स की है, अर्थशास्त्र की है, ये बारे में डिटेल च नहीं, एक ब्रीफ सानू इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इकनोमिक्स की है। इकनोमिक रेफर्स टू सच अ सब्जेक्ट विच स्टडीज इकनोमिक आस्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन बिहेवियर। जो मानव दिया मनुख दिया आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट करते हैं उन्हों असी इकनोमिक्स या अर्थशास्त्र कहने हैं। जेकर रिगार्डिंग तुम डिटेल के देखना मेरे ही चैनल के उत्ते इकनोमिक्स की है ये रिगार्डिंग दो तीन वीडियोज़ ने इकनोमिक्स की है, इकोनमी की है, माइक्रो ते मैक्रो इकनोमिक्स की है, तुम उन्होंने डिटेल से देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी दे दवांगा अज्ज दे इस वीडियो दे विच, नीचे तुम देख सकोगे उस लिंक नूं। ते उस तो बाद असी वधदे हां हुण अपने अज के कॉन्सैप्ट वल। उस तो पहला एक फॉर्मल डेफिनेशन सारे पता है कि इकनोमिक्स की होंगी है। इकनोमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्सिज विच हैव अल्टरनेटिव यूजिज इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे सो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ एट ऑप्टिमम लेवल कैन बी अचीव्ड एंड ह्यूमन विद द कॉन्सैप्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि मनुख के कल्याण ध्यान रखते हुए एक अजिहा सबजैक्ट जिस दे विच असी इस गल की स्टडी करते हैं कि मनुख किस तरह अपने सीमित साधना नूं चॉइस की समस्या का सामना करते हुए अपनी असीमित जरूरतों के विचों कुछ जरूरतों नूं पूरा करन दे लई जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ते डिस्ट्रीब्यूशन नाल संबंधित गतिविधियां करता है ताँ कि घट्टो घट्ट उहदी ग्रोथ हो सके, उहदा कल्याण हो सके, उहनूं असी अर्थशास्त्र कहिंदे हां। आओ अज दे विशे वल वधीए। अज दा विशा की है? अज का साडा जो विशा है वह है पॉजिटिव इकनोमिक्स ते नॉर्मेटिव इकनोमिक्स। पॉजिटिव तो इकनोमिक्स की गल करते हैं, पहला पॉजिटिव इकनोमिक्स की है। पॉजिटिव इकनोमिक्स स्टडीज़ द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ इकनोमिक इशूज़ इन अ इकोनमी रिलेटिंग विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब जी सकारात्मक या वास्तविक अर्थशास्त्र है वह अर्थशास्त्र है जो अर्थव्यवस्था के पास्ट नाल, भूतकाल नाल, वर्तमान नाल ते भविख दे नाल संबंधित जो तत्थां दे आधारित तस्वीर है, तत्थां दे आधारित स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं उन्हों असी पॉजिटिव इकनोमिक्स कहने हैं। अंडर पॉजिटिव इकनोमिक्स वी शुड नो दैट इट इज़ सच अ ब्रांच ऑफ इकनोमिक्स विच स्टडीज वट वॉज, वट इज़ एंड वट विल बी। भाव जदों असी वास्तविक अर्थशास्त्र की गल कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स के उत्ते आधारित है, तत्थों के उत्ते आधारित है, तो उत्थे इस गल की चर्चा की जाती है। वट वॉज की सी, कोई इनफॉर्मेशन उस टाइम की सी, वट इज अज की है, वट विल बी आने वाले समय च की होगी। किसी भी इकनोमिक एक्टिविटीज नाल संबंधित जदों असी इस टाइप की स्टडी करते हैं जिस इकनोमिक्स के विच उस इकनोमिक्स नूं असी पॉजिटिव इकनोमिक्स कहने हैं। इन आप क्लीयर कर दें कि एग्जाम्पल के नाल, मान लो मैं कह कि भारत की जनसंख्या 1947 के 35 करोड़ सी, ते अज इस टाइम जो मैं थोड़े सामने वीडियो बना रहा अज 138 करोड़। जिस ग्रोथ के नाल पापूलेशन वध रही है देश की, तो मैं कह 2038-39 तक देश की जनसंख्या लगभग 155 करोड़ होएगी। तो ये जड़ा इनफॉर्मेशन है यह सीधी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्योंकि इतने फैक्ट की गल है, तत्थों की गल है,
तथ्य का मतलब यह नहीं है, ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तथ्य का मतलब यह नहीं कि सच ही होवे, झूठ भी हो सकता है, बट यू कैन वेरीफाई, तुम जांच कर सकते हो। जो मैं जनसंख्या बोल रहा हो सकता है कई जने सोच रहे होने तो गलत बोल रहे हैं, बई मैं समझाता ही नहीं। इफेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, इट मे बी रोंग, पता कितों लग गया, यू हैव फैक्ट फ्रॉम वेयर यू कैन इवेल्युएट इट। तुहाडे कोल तथ्य ने जिथों असीं जांच कर सकते हैं कि यह तथ्य सही है या गलत। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकनोमिक्स व्हेन वी स्टडी अबाउट सच थिंग, दैट पार्ट ऑफ इकनोमिक्स इज नोन एज द पॉजिटिव इकनोमिक्स। इसे अर्थशास्त्र को असीं वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं, क्योंकि जो तथ्यों के उत्ते आधारित है, फैक्चुअल वैल्यू इज देयर। ये गल ध्यान रखें। तो दूसरा है साडा नॉर्मेटिव इकनोमिक्स। नॉर्मेटिव का मतलब है आदर्शात्मक, आदर्शों के उत्ते आधारित। नॉर्मेटिव इकनोमिक्स इज अ स्टडी एंड द रिकमेंडेशन ऑफ आइडियल पोजिशन ऑफ द इकॉनमी और इकनोमिक इशूज। जो आर्थिक इशूज ने, आर्थिक पहलू ने, उन्होंने संबंधित साड़िया विचारधारावान, साडे ओपीनियनज नू जो पेश करने वाली अर्थशास्त्र है, उन्होंने असी नॉर्मेटिव इकनोमिक्स कहने हैं। नॉर्मेटिव इकनोमिक्स इज अ जस्ट अ ओपीनियन मेकिंग इकनोमिक्स, विचार बनाती है। इतने जो मेजर कॉन्सैप्ट असं ध्यान रखना, जिम्मे मैं उत्थे दस्या, वट वाज, वट इज़, वट विल बी, एंड द कॉन्सैप्ट हेयर इज वी शुड कीप इन माइंड वट ऑट टू बी और वट शुड बी, की होना चाहिए। आदर्श ही तो होंगे ने, आदर्श को समझने लिए गल कर रहे हैं। एक आदर्श का मतलब की, आदर्शवादी का, जिमें सूँ कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए है, ये सारिया आदर्शा आदर्श वाली गल् ने, उच्चे आदर्शों दिया। हूँ जेडे आदर्श ने वो फैक्ट के उत्ते आधारित नहीं होंगे। तो असं कहें कि आदर्शवादी गल् ये होना चाहिए है, किस तरह, एक एग्जाम्पल समझो इस गल के। मान लो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा, थोड़े गल साझी कर रहे हैं कि भारत विचों गरीबी दूर होनी चाहिए है। भारत दी, भारत बड़ा चेंज होता जा रहा है, बहुत गरीबी भी घट रही है, बहुत सालों तो लगातार मेहनत कर लगे हुए हैं भारती। चलो मैं मिशन समझाने लिए कह रहे हैं, भारत विचों जिनी भी है गरीबी दूर होनी चाहिए है, गरीबी दूर करन दे लई लोगों को रुजगार होना चाहिए है, रुजगार देन दे लई सरकार नू पैसा लगाना चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, पर किवें चाहिए, सूचना की है, वो कुछ नहीं। आदर्शवादी गल, ओपीनियन इज देयर। एक स्पीच देने वाले किसी वक्ता नू सुनिया करो, ये होना चाहिए चाहिए। जदों असी इकनोमिक्स के विच इहोजी गल्लां करदे आ, इकनोमिक्स के उस पार्ट नू असी नॉर्मेटिव इकनोमिक्स कहने हैं, विच क्रिएट ओपीनियनस, जिथे विचारात्मक चर्चावां होंदियां ने, ओपीनियन मेकिंग होंदी है। टैलीविजन के उत्ते बैठे हुए आदर्शवादी जिहड़े वक्ता ने उहनां नू सुनिया करो, आर्थिक इशूज दे उत्ते बोलदे ने, ये होना चाहिए दैट और टू बी, ऐसा होना चाहिए। इहोजी गल्लां जदों कीतियां जांदियां ने तां असी इकनोमिक्स के उस पहलू नू नॉर्मेटिव इकनोमिक्स कहने हैं। जेकर असी इन्हूं होर समझना है तो आओ इहदी गल करदे हां अंतर दी, दोनों नूं पैरलर रख के आपां अंतर दी गल करिए। जदों भी किसी कॉन्टेंट दे, किसी कॉन्सैप्ट दे अंतर दी गल हुंदी है, तो एक बेस होना चाहिए है। उस बेस के उत्ते दोनों नूं डिफरेंशिएट करो, उन्हां दा अध्ययन करो। जिस तरह पहला बेस मैं कह रहा है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है रिलेट्स विद द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, रिलेट्स विद द फैक्ट। ऑन द अदर हैंड वी कैन से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन द आइडियल पोजिशन ऑफ द इकॉनमी, आइडियलिज्म इज देयर। आदर्शवादी जी अर्थव्यवस्था है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होंगी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का रिलेटड है जिथे फैक्ट्स ने, तथ्य ने। सेकेंड वन, वन थिंग शुड वी कीप इन माइंड, ये दोनों एक दूजे के दुश्मन नहीं है, कंपीटीटर नहीं है, कंप्लीमेंटरी ने, एक दूजे का साथ दिंदियां ने। विचार देना, भावनावां होनियां, ये होना चाहिए, ये माड़ी गल नहीं हैगी। जे नॉर्मेटिव इकनोमिक्स एग्जिस्ट करती है तो ही फैक्चुअल इनफॉर्मेशन चेंज होंदियां ने। किसी ने संघर्ष लिए आवाज़ उठाई तो कुछ गल्लां होईयां इकोनमी दे विच, ते इकोनमी च सुधार होया। सो बोथ आर कंप्लीमेंटरी, दोनों एक दूजे नाल कदम मिला के चलदियां ने। जब तक हाल तक इनफॉर्मेशन लगी तो एवें लगे एक दूजे विरोधी ने, विरोधी नहीं है भी, ये ध्यान रखियो, कंप्लीमेंटरी। उधर सुझाव होंगे ने, इधर उहदे ते
जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसके उत्ते असर किया जाता है ताकि इकोनॉमी को सुधारा जाए। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं, और मेन की है जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट क्रिएट्स ओपीनियन, ओपीनियन इज मेज देयर, विचार पैदा होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नो ओपीनियन मेकिंग इज देयर, विचारों की गल नहीं होती, वेट्स अपॉन फैक्ट। एक असी जो गल करते हैं मेजर इशू, व्हाट इज व्हाट वाज व्हाट विल बी, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडीज व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, की क्या होना चाहिए, की होना चाहिए, असी इहदी गल करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक होर गल ते जिसते असी डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के विच, मान लो मैं कहना कि साढ़े देश की जनसंख्या अज 138 करोड़ है, दूसरे पास तो नाल ये भी कह रहे हैं कि 2050 तक देश की जनसंख्या 160 करोड़ होएगी। मान लो मैं यहोजी एक स्टेटमेंट दी होगी, ये जिहड़ा है सानू पता है इस तरह की जिहड़े फैक्ट्स ने वो की ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव दे विच की है देश की जनसंख्या 2050 तक किसी भी तरह उपराले करके 140 करोड़ होनी चाहिए है, किमें होएगी नहीं पता, होनी चाहिए है, जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए है। जदों असी इन फैक्ट बेस की गल करते हैं असी उदों भी ये अंतर नू समझ सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स आई थिंक द कॉन्सैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। जेकर कोई कॉन्टेंट क्लीयर नहीं वापस जाओ वीडियो के उस हिस्से दोबारा देखो, जे कोई क्वेश्चन मन च पैदा होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स जाओ, तो एक नवी वीडियो का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार भी करांगे एक नवे कॉन्टेंट के नाल तुहाडे रस्ते नू कोविड के इस पीरियड के विच आसान बनाने के लिए, ताकि असी सबजैक्ट्स के उत्ते फतेह दर्ज कर सकीए। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।